नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों, RBI की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी खुशी में RBI एक नेशन वाइज क्विज भी करवा रहा है, जिसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और जीत जाते हो तो आप लोग को पूरे 10 लाख रुपीज की इनामी राशि दी जाएगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देख ले आते हो तो फिर आप लोग भाई 10 लाख रुपये के जीतने के हकदार हो जाओगे। इसमें आप लोग अगर फर्स्ट आ जाते हो तो 10 लाख रुपीज, अगर सेकेंड आते हो तो 8 लाख रुपीज और थर्ड आते हो तो 6 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। अभी यही नहीं, और भी सुनिए, ये जो प्रतियोगिता है वो 3 राउंड में होने वाली है और तीनों ही राउंड में जो लोग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज मनी दी जाएगी। तो सबसे पहला राउंड है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जो लोग भी फर्स्ट आते हैं तो फर्स्ट प्राइज मनी रखी गई है 2 लाख रुपीज़, सेकंड प्राइज मनी रखी गई है 1.5 लाख रुपीज़, इसके बाद थर्ड प्राइज है 1 लाख रुपीज़। इसके साथ ही अगर आप लोग स्टेट लेवल क्रॉस करते हो तो आप लोग पहुंच जाओगे जोनल लेवल में। तो जोनल लेवल में अगर आप लोग फर्स्ट आते हो तो वहां पे आप लोग को फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीज़ मिलेगा, इसके साथ सेकेंड प्राइज 4 लाख रुपीज़ और थर्ड प्राइज आपको 3 लाख रुपीज़ मिलेगा। इसके साथ अगर आप लोग जोनल राउंड भी क्रॉस कर ले आते हो, फाइनल राउंड में पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आप लोग को 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख की प्राइज मनी मिलेगी। तो भाई इतना भारी भरकम आप लोग को प्राइस मनी मिलने जा रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर कर देना। वैसे इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें आप लोग सभी लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना दी जिसमें इसे सभी टॉपिक को कवर किया जाए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप लोग देख ले जाओगे तो आई होप कि आप सभी लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग का भी एक टेस्ट ले ही लेते, तो फटाफट ये बताइए कि RBI की स्थापना कब हुई थी। विदाउट गूगल किए, गूगल आप लोग को नहीं करना, विदाउट गूगल किए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि RBI की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया रखी गई इसको आप लोग को बताते हैं। तो कुछ खास एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, बस आपका अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है। अंडर ग्रेजुएट अगर आप लोग हों तो आप लोग इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ ही 1 सितंबर 2024 को आपकी एज 25 साल या फिर 25 साल के नीचे ही रहनी चाहिए, मतलब बिलो 25 ईयर्स के लोग इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25 साल से ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो लोग अंडर ग्रेजुएट होंगे उनकी एज 25 साल से नीचे ही रहती है आमतौर पे। इसके आते एक चीज़ आप लोग ख्याल रखना कि इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए RBI की तरफ से कोई भी फीस यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही। तो जैसे मैं आप लोग को बताऊँगा वैसे आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना, किसी फ्रॉड वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट RBI 90 क्विज के नाम से आ चुकी है, तो उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना। एक पैसा भी आपको इसके लिए पे नहीं करना है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ ही एक चीज़ और कि पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कई सारे लोग एक दो क्वेश्चन किए थे, तो उसके बारे में भी हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोग एक टीम आपको बनाना पड़ेगा और एक टीम में आप लोग 2 मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक टीम में 2 मेंबर आप लोग को बनाना पड़ेगा और एक कॉलेज से कई सारी टीमें आप बना सकते हो, मतलब कि अनलिमिटेड टीम आप लोग एक कॉलेज से बना सकते हो। और जो 2 मेंबर बनेंगे उसमें भी आप लोग को एक अपने किसी फ्रेंड का नाम या फिर डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हम अपना ही नाम Team 1 और Team 2 दोनों में फिल कर सकते हैं अपनी ही डिटेल्स। ऐसा नहीं है, आपको एक अपने किसी फ्रेंड का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। मतलब एक टीम में 2 मेंबर रहेंगे तो दोनों अलग अलग रहेंगे, ना कि सेम रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग को बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को गूगल पे टाइप करना है RBI 90 क्विज। तो जैसे आप लोग टाइप करोगे, इसके बाद फिर आपके सामने जो सबसे ऊपर वाला लिंक आएगा ना पहला, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा RBI 90 क्विज का। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर RBI 90 क्विज लिखा गया। वैसे इसके डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, वहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वाले पेज पर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कराई जा रही है, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट है जी इसकी 16 सितंबर 2024 16 सितंबर तक आप लोग इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो पहला ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा 19 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक 19 से लेकर 21 सितंबर तक
इसका जो पहला फेज कंप्लीट कराया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट वाला, जो कि आप लोग घर बैठे ही दे सकते हो। इसके बाद फिर स्टेट लेवल, जोनल लेवल या फिर फाइनल लेवल, वो आरबीआई डिसाइड करेगी कि आपको ट्रैवल करके कहाँ जाकर, यानी कि फिजिकल ये होगा। ठीक, तो चलिए आपको आप बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग का जो भी स्टेट होगा इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आप लोग को अब कॉलेज अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो ढेर सारे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ढेर सारे कॉलेज लिस्टेड हैं, तो हो सकता है आपको खोजने में दिक्कत हो। यहाँ पे ऊपर देखिए सर्च कॉलेज, सेलेक्ट कॉलेज, इसी पे आप लोग को अपना कॉलेज का नाम लिखकर सर्च करना है। तो जैसे कि मेरा कॉलेज है अभी सिबली, ठीक, तो मैंने सर्च किया तो देखिए सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, ठीक, ये आ चुका है। साथ ही इसका जो कोड है वो भी इसके सामने लिखा गया SNCA001। या फिर अगर आप लोग को कोड नहीं पता, इसको आप लोग कंफर्म करना चाहते हो, तो आप लोग अपने कॉलेज से भी जाकर पूछ सकते हो कि इसका कोड क्या है, यानी कि आपके कॉलेज का क्या कोड है। बट इसका कोड यहाँ पे देखिए सामने लिखा गया है। देन यहाँ पर आप लोग को इसको कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए अब नीचे आइए तो रजिस्ट्रेशन हियर, यहाँ पर अब आप लोग को टीम मेम्बर फर्स्ट, मैंने आप लोग को बताया था कि एक टीम में दो मेंबर रह सकते हैं और दोनों ही सेम नहीं होने चाहिए, दोनों ही अलग अलग मेंबर होना चाहिए। तो अपने किसी फ्रेंड को बोल देना भाई, जो थोड़ा मोड़ा जिसको जनरल नॉलेज आती हो। इसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट नेम में आप लोग अपना नेम फिल करोगे। इसके बाद फिर स्टूडेंट आईडी, जो भी आपके कॉलेज की आईडी होगी वो कॉलेज आईडी यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, फ़ोन नंबर फिल करना है, जेंडर फिल करना है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद फिर अब आ जाइए टीम मेंबर टू पे। ठीक, टीम मेंबर टू में आप लोग को स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जेंडर, इसके बाद फिर नीचे DOB फिल करके अब आप लोग को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, देन सबमिट कर देना है। तो जैसे आप लोग सबमिट करते हो उसके बाद आपसे OTP वगैरह जो कुछ आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, देन आप लोग OTP फिल करोगे तो शायद आप रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर लेते हो ना, आपके दोनों ही टीम मेंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक कोड सेंड किया जाएगा। उसके पहले आप लोग को अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप लोग इसको सबमिट करोगे तो पासवर्ड क्रिएट करके सब सबमिट कर लेते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके टीम मेंबर के दोनों ही मेंबर पे एक कोड सेंड किया जाएगा। और वही कोड और पासवर्ड आप लोग जब लोग आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दोगे ना घर बैठे, तो वही कोड और पासवर्ड के थ्रू आप लोग अपने टेस्ट में लॉगिन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को बताते हैं कि क्विज का फॉर्मेट क्या होने वाला। तो देखिए क्विज का जो फॉर्मेट है ना, उसके लिए अब आप लोग को यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख लीजिए, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे थ्री लाइंस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस क्विज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए प्रैक्टिस क्विज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस क्विज आप लोग को मिल जाता है। तो इसी तरीके के MCQs यानी कि बहुविकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आप लोग को इस प्रतियोगिता के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बता देते हैं। तो इसको भी देखने के लिए देखिए यहाँ पर जो थ्री लाइन दी गई ना, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग को ये प्रैक्टिस क्विज के जस्ट नीचे रूल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इसी रूल्स के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जो भी रूल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे लिखे गए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो देखिए एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी अब मैंने आपको बता दिया, क्विज का जो शेड्यूल है वो भी मैंने आप लोग को बता ही दिया। देखिए तो पहला राउंड तो ऑनलाइन घर बैठे ही होगा, लेकिन जो दूसरा राउंड होगा उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी उसका जो भी नियम होगा ना, उसके बारे में RBI जब पहला क्विज राउंड समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक, कैसे आप लोग को पार्टिसिपेट करना है या फिर देन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, वो सब बाद में मेंशन कर दिया जाएगा। देखिए इसमें जो करीब 36 सवाल आएंगे और 36 सवालों के लिए आप लोग को 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट में आप लोग 36 सवालों के जवाब देने, और प्रत्येक सवाल के लिए आप लोग को 25 सेकंड दिए जाएंगे। और यह जो प्रतियोगिता है यानी कि जो पहला राउंड है उसमें आप लोग
एक टीम के जो दो मेंबर हैं वो साथ में ही आप लोग को बैठकर देना पड़ेगा, चाहे आप लोग साथ में एक मोबाइल के जरिए दे सकते हो या फिर टैबलेट, एक टैबलेट के जरिए या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए आप लोग दे सकते हो, लेकिन एक ही में आप लोग का लॉगिन होगा। टीम के दोनों ही मेंबर को सेंड किया जाएगा टीम कोड और पासवर्ड, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही, वो दोनों सेम रहेंगे है ना, तो वो एक ही से आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है ये भी मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे थ्री लाइंस आप लोग को मिल जाती, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। देन यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देखिए टीम साइन इन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जो टीम कोड आपको सेंड किया जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो टीम कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड फिल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। देन आप लोग जैसे साइन इन कर लेते हो फिर टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस प्रतियोगिता की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। साथ ही बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो देखिए सिलेबस में आप जो भी जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं वही नॉर्मल सी आने वाली हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, और जाहिर सी बात है RBI करवा रहा है तो फिर RBI के हिस्ट्री के बारे में, इसके आते इकोनॉमी, इसके आते आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब कि जो भी जनरल अवेयरनेस अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो तो वही आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो भाई देर किस बात की, फटाफट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अगर उनकी कोई क्वेरी हो, या फिर जो लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनकी अगर कोई क्वेरी अगर रह गई हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और बताइए आप लोग को अब क्या करना है, वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिश्तेदार सभी को आप लोग ये वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को, सभी लोग भाई 10 लाख रुपए जीत पाए ना, है ना, सभी लोगों को जीतने का मौका दीजिए जो भी कोई जीत जाए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करने, साथ ही इसी तरह के बैंकिंग न्यूज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।